बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि अनिल जी और गुरप्रीत जी ने ये जो प्रयास किया है इस ये शॉर्ट फिल्म बनाकर शूरवीर, ये बहुत ही, जब इन्होंने आके मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया सो मैं टोटली सोल्ड हो गया था। इट इज़ अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, और के ऐसे कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाना बहुत जिगर चाहिए, और ये स्पेशली कि हमें कैसे भी करके 26 जनवरी को ही रिलीज़ करना है, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत बात लगी उनकी। और इन्होंने देव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, बिलीव मी इट वॉज लाइक यू शूटिंग फॉर अ शोले, एक बहुत बड़ी फिल्म की आप शूट कर रहे हैं। तो अक्सर जैसे लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं वो छोटे पैमाने पर बनाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, बट इन्होंने पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो चाहिए, जो फिल्म की जो ज़रूरत है उसके लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। सो दैट वॉज, ये काबिल तारीफ बात है कि इन्होंने जिस जो बिलीव किया उसके लिए दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भारतीय सेना है, हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना पर, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि वे बॉर्डर पर, सरहद पर हमारी रखवाली कर रहे हैं। 18-18 घंटे, 22-22 घंटे वे काम करते हैं। और अगर आप सियाचिन ग्लेशियर देखें तो वहाँ पे -40 degrees मिनिमम, आई थिंक -20, -30, मैक्सिमम -80 degrees टेम्परेचर वहाँ पे रह के वो लोग करते हैं। सो हर भारत, एक भारतीय होने के नाते और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। देखिए, हम 3 साल से एक अवार्ड शो कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द शूरवीर अवार्ड्स। तो वो एक दिमाग में था कहीं मेरे, उस चीज़ को हम अपने जवानों के लिए किस तरीके से समर्पित करें ताकि वो और आवाम तक पहुँचे, मासेस तक पहुँचे। इस वजह से हमने सोचा वाई नॉट मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन इट। वी शुड ऑल रिस्पेक्ट द इंडियन सोल्जर्स टू द अटमोस्ट कोर, दैट वॉज द थॉट बिहाइंड इट। आइडिया चली कि भाई कास्ट क्या करें, मैं बहुत जी कहा इनको, मैं कोई बेकार में चढ़ा नहीं रहा हूँ। एक ही नाम दिमाग में आया, वो आपके सामने साक्षात खड़े हैं, रतन सिंह इज बैक। और जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों के लिए मैं नतमस्तक हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वी आर सेफ बिकॉज ऑफ यू, ये कहना चाहूँगा।